मुजफ्फरनगर के छपार क्षेत्र के गांव तेजलहेड़ा में बंजर जमीनी विवाद के चलते युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। विदित हो कि मुजफ्फरनगर के छपार कोतवाली क्षेत्र के ग्राम तेजलहेड़ा में ग्राम समाज व तालाब की भूमि पर दो पक्षों में विवाद चल रहा है। विवाद के चलते बीती देर शाम विरोधी पक्ष के लोगों ने गांव के युवक को उसके घर में घुसकर गोली मारकर बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया और मौके से फरार हो गए। दरअसल मामला छपार कोतवाली क्षेत्र के ग्राम तेजलहेड़ा का है, जहां पर ग्राम समाज की बंजर भूमि व तालाब पर अवैध कब्जे को लेकर पिछले 3 वर्षों से गांव के ही शिव कुमार, रिंकू, नरेश आदि में विवाद चल रहा है। शिव कुमार नरेश द्वारा किए गए कब्जे का विरोध कर रहा था। वर्तमान में यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है। विवादित भूमि की राजस्व विभाग के अधिकारियों व लेखपाल आदि ने कई बार पेमाश भी की, परंतु मामला न्यायालय में होने के कारण कोई फैसला नहीं हो रहा था। सोमवार की शाम जब शिव कुमार उर्फ रिंकू अपने घेर में अपने पशुओं को चारा कर रहा था, उसी समय विपक्षी नरेश अपने साथियों चरण सिंह, नवाब सिंह, शुभम, कृष्ण आदि के साथ शिव कुमार के घेर में घुस गया तथा शिव कुमार को पकड़कर उसके साथ पहले तो मारपीट की, फिर अवैध असले से 3 गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। घायल शिव कुमार को परिजनों ने अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के चचेरे भाई अक्षय कुमार ने उपरोक्त के खिलाफ छपार कोतवाली में हत्या का मामला दर्ज कराया। पुलिस ने टीमें बनाकर हथियारों की तलाश में ताबड़तोड़ तबीशें शुरू कर दी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। ये छपार क्षेत्र, छपार थाना क्षेत्र के अंतर्गत तेजलहेड़ा गांव पड़ता है, जहाँ पे एक मर्डर की घटना हुई है। शिव कुमार उर्फ रिंकू नाम का युवक है, जिसकी उम्र 25 साल है और ये एक रास्ते के विवाद को लेकर मामला चला रहा था। और आज एक सुनियोजित तरीके से इन लोगों ने जो नरेश और नरेश के, जिसमें नरेश के भाई और नरेश के बेटे का भी नाम आया है प्रकाश में, उन लोगों ने जो तहरीर में लिख के दिया है और इन लोगों ने सुनियोजित तरीके से गोली मार के शिव कुमार की हत्या की है। मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमा दर्ज कर 302 धारा 302 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज हुआ है। सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताबड़तोड़ दबिशें दी जाएगी। कितने लोगों के खिलाफ हुआ सर? इसमें 5 लोगों के नाम लिख के दिए हैं। सर क्या कोई गिरफ्तारी हुई? अभी कोई गिरफ्तारी नहीं है, परंतु गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। शीघ्र गिरफ्तार कर दिया जाएगा।